अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं तीन चीज़ों से पूरी बनाऊंगी, एकदम फुली फुली सॉफ्ट खास्ता। पूरी हम हर त्योहार में, दावतों में, पार्टी में बनाते हैं। पूरी बहुत जल्दी बन जाती है और पूरी हम सभी को बहुत ही पसंद आती है। आप भी मेरी तरह एकदम सॉफ्ट, मुलायम, फुली फुली खास्ता पूरी बनाना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करके स्टेप बाई स्टेप आप बना सकते हैं। आपकी पूरी बहुत ही टेस्टी बनेगी, फुली फुली बनेगी, एकदम सॉफ्ट मुलायम बनेगी। पूरी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ, 1/2 कप मैदा ले रही हूँ, 2 चम्मच यहाँ पर मैं सूजी दे रही हूँ, 1 चम्मच यहाँ पर मैं पीसी हुई चीनी दे रही हूँ, 1/2 चम्मच नमक दे रही हूँ। अब सभी चीज़ों को आपस में हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 चम्मच यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल दे रही हूँ। अब हमें हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी देकर हमें आटा को गूंद लेना है। आटे को हमें सख्त गूंदना है, टाइट गूंदना है। जिस तरह से हम रोटी और पराठा के आटे सानते हैं, गूंदते हैं, उस तरह से हमें नहीं गूंदना है। उससे थोड़ा सा हमें टाइट रखना है, तब जाकर हमारी पूरी जो है ना बहुत ही अच्छे से तैयार होती है, फुली फुली। अब हमें आटे के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर 15 से 20 मिनट इसे कवर करके रख देना है, जिससे कि डो हमारे अच्छे से सेट हो जाए। 15 मिनट हो गए हैं तो डो हमारे अच्छे से सेट हो गए हैं। हाथों से हमें थोड़ा सा इन्हें गूंद लेना है, गूंद कर इन्हें चिकना कर लेना है। डो हमारे एकदम रेडी है पूरी बनाने के लिए। अब हमें पूरी के लिए लोइया बना लेना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे पूरी को बड़े या छोटे रख सकते हैं। पूरी के लिए लोइये किस तरह से बनाते हैं आप मुझे फॉलो करके बना सकते हैं, बहुत ही इजीली बन जाते हैं। पूरी बनाने के लिए इसी तरह से लोइये को रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ पे पूरी बेलने के लिए हमें थोड़ा सा सूखा आटा या थोड़ा सा मैदा हमें यहाँ पर देना है और एक लोइए को उठाकर हमें पूरी बेल लेना है, पूरी का शेप दे देना है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से पूरी बना रही हूँ। न ज़्यादा मैं मोटा रखी हूँ, न ज़्यादा मैं पतला रखी हूँ, मीडियम रखी हूँ। तो आप मुझे फॉलो करके इस तरह से पूरी बनाएं, आपकी पूरी परफेक्ट एकदम बनकर रेडी होगी, फुली फुली सॉफ्ट। तो यहाँ पर तेल मैं गरम करने के लिए आगे से रख चुकी थी, तो तेल यहाँ पर गरम हो गए हैं। तो अब पूरी को फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ना, इस तरह से हमें गरम गरम तेल ना पूरी के ऊपर देते रहना है, तो पूरी जो है ना हमारी बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी। आप देख रहे हैं ना किस तरह से गुब्बारे की तरह पूरी फूलने लगी। बस अब दूसरे साइड से भी इसे फ्राई कर लेते हैं पलट कर। तो सारे पूरी को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी एकदम फुली फुली बनी है ना। तो सभी पूरी को हम इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। गर्मा गर्म पूरी हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तो इसकी फीडबैक देना आप हमें ना भूलें। ज़रूर से हमें बताएं कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे ज़रूर से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।